अगर 2011 के सेंसस के मुताबिक एलिमिनेशन होती है तो जम्मू का हिस्सा काम करता है, यानी उन्होंने शायद ये सोच लिया है कि कश्मीर को उन्होंने ज्यादा सीख लिया। और इस संदर्भ में 2011 के सेंसस जो कि कानून की एक बहुत ही गलत तरीके से उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश की जा रही, लोगों को भ्रमित कर किया जा रहा, नए फैक्टर्स 2019 का कानून है जिनके मुताबिक जम्मू का हिस्सा जो है वो असेंबली सीट्स में ज्यादा बनता है। जो फैक्टर्स हैं उसमें पॉपुलेशन कहीं भी क्राइटेरिया नहीं रखा गया है, ये पहला जो क्राइटेरिया था जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट ऑफ J&K था उसमें पॉपुलेशन क्राइटेरिया था, अब वो खारिज कर दिया गया है और नए फैक्टर्स जो हैं वो प्रिस्क्राइब किए गए हैं, जिसमें ज्योग्राफिकल कॉम्पैक्टनेस का फैक्टर है, जिसमें फिजिकल फीचर्स हैं, जिसमें एग्जिस्टिंग बाउंड्रीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं, जिसमें कन्वीनियंस टू पब्लिक है, जिसमें फैसिलिटीज ऑफ कम्युनिकेशन, ये सारे फैक्टर्स जम्मू के हक में जाते हैं। और जम्मू को कम से कम 50 सीटें मिलनी चाहिए 90 में से, बीजेपी ने खुद कहा था कि 50 सीटें जम्मू को मिलेंगी अब नया क्राइटेरिया के मुताबिक, लेकिन अब एक नया जो है भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है, शायद बीजेपी कश्मीर में ज्यादा सीटें देने की तैयारी कर चुकी है, इसलिए 2011 का बार बार नाम लिया जा रहा है वो जो है वो डिप्राइव करने के लिए और अपने बात को जस्टिफाई करने के लिए। वो समझते हैं कि आप कश्मीर में भी अपना भाग्य आजमा लें, जम्मू वालों को समझते हैं हमारे हैं ही हैं जब जो मर्जी हम कर लें, लेकिन बहुत बड़ी गलतफहमी में है। अगर ये नजरिया बीजेपी का रहा तो ना वो कश्मीर के रहेंगे और ना जम्मू के रहेंगे, ये हम सीधा और स्पष्ट पैगाम उनको देंगे।